हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आरती भाटिया और आज हम बात करेंगे वीनस के ट्रांजिट के बारे में। वीनस ट्रांजिट ले रहे हैं 28 मार्च को। देखिए, जल्दी जल्दी से बहुत सारे प्लैनेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। स्पेशली अब आप देखें तो मार्स ने मूव कर लिया 22 को, संडे को, और अब उसके बाद 25 को हमारा न्यू ईयर भी है और नवरात्रास भी स्टार्ट हो रहे हैं। 28 को वीनस भी मूव कर रहे हैं। अब वीनस जब मूव कर रहे हैं 28 को, तो हर राशि के लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है, हर असेंडेंट के लिए क्या इम्पैक्ट होने वाला है, इस बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए, वीनस है क्या? सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वीनस क्या है। वीनस है ग्रेस, वीनस है ब्यूटी, वीनस है लग्जरी, वीनस है, और देखिए अल्टीमेट लग्जरी जो है वो हम मैरिज को मानते हैं, और मैरिज से रिलेटेड जो भी लग्जरीज हैं अगर हमें वो मिल रही हैं लाइफ में, तो हम ये मानते हैं कि हम लग्जरी को अल्टीमेट रूप से यूटिलाइज कर रहे हैं। वीनस है लक्ष्मी, धन, थोड़ा सा ऐश, थोड़ा आराम, थोड़ा सा जो वीनस है वो आपको एक हिसाब से लाइफ की ब्यूटी दिखाता है। सो यू हैव एन आई फॉर ब्यूटी, यू वांट टू सी थिंग्स ब्यूटीफुल एंड यू वांट टू बी इन अ कंफर्ट जोन। सो वीनस जो है वो आपको ना ही केवल लग्जरीज, कंफर्ट और केयर देता है, बट आपको लव और ब्यूटी और ग्रेस भी देता है। तो वीनस के ये तो हो गए कि जो उसके बेसिक ट्रेट्स हैं। अब वो किस राशि में क्या इम्पैक्ट करने वाले हैं, किस असेंडेंट पे क्या इम्पैक्ट करने वाले हैं, वो देखेंगे। पहले तो ये जान लीजिए कि वीनस टॉरस में, यानी कि सेकंड नंबर पे ये कर रहे हैं, अपना ट्रांजिट कर रहे हैं, और इस बार का ट्रांजिट सबसे ज्यादा लंबा ट्रांजिट है, क्योंकि इस ट्रांजिट में 25 डेज नहीं है, इस ट्रांजिट में ऑलमोस्ट 5 मंथ्स हैं, क्योंकि वीनस इसी राशि में रेट्रो जाएंगे, फिर डायरेक्ट होंगे, और फिर ये ऑलमोस्ट 31 जुलाई को ये चेंज होंगे और जाकर जेमिनी में जाएंगे। तो टॉरस में इतना बड़ा इनका ये जो इतना बड़ा ट्रांजिट है, तो वो बहुत स्ट्रांग ट्रांजिट है, क्योंकि उसमें इतने सारे मूवमेंट्स होंगे, और क्योंकि ये एक हिसाब से फीमेल राशि मानी जाती है टॉरस जो है, और मून यहां एग्जॉल्टेड है, तो सोचिए कैसी राशि है जिसमें ऑलरेडी घर से रिलेटेड फेमिनिज्म या घर से रिलेटेड जो चीजें हैं, और जो एक हिसाब से मतलब जैसे शक्ति का भी प्रतीक इसे कहा जा सकता है, हालांकि वीनस खुद जो प्लैनेट है वो डिनोट तो यही करते हैं, पर वो भाई हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं हमेशा से कहती आई हूं कि वीनस जो है वो, क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, और जो माता लक्ष्मी है उनकी उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है, तो उन्हें भाई बहन माना जाता है और इनका बहुत प्यार है। तो जब हमें लक्ष्मी के भी उपाय करने होते हैं, तो हम वीनस के उपाय काफी हद तक कराते हैं, क्योंकि वीनस के उपाय करते ही फायदा होता है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि वीनस जो है वन आइड है, ये तो हम सबको पता है, स्टोरी भी है इसके पीछे, कि जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, 100 अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब 99 उनके यज्ञ हो गए तो एक रह गया था, तब इंद्र जी ने कहा कि ये मेरे, हो सकता है कि ये मेरे ही राज्य को लेना चाहते हो, तो मेरे राज्य के लिए मतलब काम कीजिए, मैं क्या करूं, किससे बात करूं। तो वो सब मिलकर देवता जो है ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे तो, मैं तो ये पालन नहीं करता, मैं तो पैदा करता हूं, तो पालन करने वाले विष्णु जी हैं। तो वो लोग मिलकर विष्णु जी के पास गए, तो उन्होंने बोला कि अगर बाली का, यानी कि राक्षसों के अधिपति का राज्य हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो संसार है वो इम्बैलेंस्ड हो जाएगा, और इम्बैलेंस को ठीक करना चाहिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये जो 100वां, मतलब जो 100वां उनका जो यज्ञ है, वो मैं नहीं होने दूंगा। तब वो गए थे उनसे, जब बिल्कुल हवन का समय था अश्वमेध यज्ञ का, तो वो उन्होंने जाकर वामन अवतार में, यानी कि छोटे से ब्राह्मण के रूप में अवतार लिया, और जाकर बाली से भिक्षा मांगी। तो बाली को बहुत अच्छा लगा कि जो बाली नहीं बली राजा बली तो बली को बहुत अच्छा लगा। तो बली ने कहा कि देखिए, मैं इस समय तो मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं बिल्कुल यज्ञ करने जा रहा हूं, तो ये तो बहुत अच्छा शगुन है। उनके जो गुरु है वीनस, शुक्राचार्य जी, उन्होंने बोला कि ये जरूर विष्णु है, और ये कोई ना कोई स्कीम लगी हुई है, आप ऐसे मत कीजिए।
पर वो नहीं माने। उन्होंने कहा अगर ये विष्णु जी भी हैं तो आप ये सोचिए कि त्रिकाल के देव, वो जो तीनों लोकों के राजा हैं एक हिसाब से, और वो मुझसे मांगने आए हैं तो मैं वो भी मना नहीं कर सकता। तो उन्होंने जब भिक्षा देने लगे तो एक कुंडली में ना, पहले होता था कि जैसे एक कुंडल है, कुंडल में जल है, जल हाथ में लेकर वो संकल्प करेंगे। तो वामन देव जी ने बलि जी को कहा कि आप संकल्प कीजिए, क्या पता आप मुकर जाओ बाद में। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं संकल्प करता हूं। जब वो पानी लेने लगे तो उसकी वो जो ऐसे चौंसी थी ना, जहां से पानी निकल रहा था उस कुंडली में, जो कुंडल सा था, उसके बीच में शुक्रदेव जी आकर बैठ गए कि ये ना जाए। जब वहां से जल ही नहीं निकल रहा था बार बार ट्राई करने के बाद, तो वामन देव जी वाले जो विष्णु जी हैं उनको पता चल गया। उन्होंने उसमें एक तीला सा मार दिया जिससे उनकी एक आई जो है वो खराब हो गई शुक्राचार्य जी की। तो वो वहां से चले गए। इतनी देर में बालि ने जल लेकर उनको वो वचन दे दिया। तो उन्होंने कहा मैं सिर्फ तीन पग धरती लूंगा। एक पग से उन्होंने पूरे आकाश को, दूसरे पग से पृथ्वी को नाप लिया। तो जब तीसरा पैर रह गया तो इतने में उसको बलि को समझ आ गया कि ये स्वयं विष्णु हैं। उन्होंने चरणों में गिरकर विष्णु जी से कहा कि ये जो पैर है ये आप मेरे सिर पर रख दीजिए। उसके इस भाव को, भक्ति भाव को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए विष्णु जी, और उन्होंने फिर उसे आशीर्वाद दिया कि तुम पाताल का जो लोक है उसको ले लो। अब देखिए राक्षस जितने भी हैं, चाहे उसमें राहु केतु भी माने जाए, तो वो जो है जनरली जमीन के नीचे से आते हैं। ऐसे नहीं है जैसे शिवजी मानते हैं कि मैं भी बहुत हद तक इसे मानती हूं कि हम सभी में राक्षस है और हम इस सभी में देव है। जब हम अपने देव को जगाते हैं और अच्छी बातों को, अच्छे संस्कारों को आगे लेकर जाते हैं तो हम ही देवता बन जाते हैं। और अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं और किसी भी हिसाब से मनमानी करने की सोचते हैं तो हम अपने अंदर के राक्षस को जगा देते हैं। तो ये तो था शुक्राचार्य जी का कि वो वन आइड है। तो मैं बहुत बार कहती हूं कि अगर आपको कोई भी वन आइड मैन मिले और वो आपसे बोले कुछ भी ना, और वो आपसे मांग रहा हो, इशारों में मांग रहा हो, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये शुक्राचार्य जी का कोई रूप है, तो आप उसे जरूर दीजिएगा। वैसे भी हमें अपने आस पास ब्लाइंड्स को, जो थोड़ा सा लेबर वर्क वाले कर रहे हैं, उनको तो वैसे भी देना चाहिए, हेल्पिंग हैंड्स को देना चाहिए, ताकि वो भी अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सके, और उन्हें सक्षम बनाने में भी हमें मदद करनी चाहिए। तो ब्लाइंड्स के लिए जो है वो शुक्राचार्य जी का एक हिसाब से सिंबोलिज्म उन्होंने किया है, और यही शुक्राचार्य जी वीनस है, और यही वीनस जो है हर तरह की लग्जरी देते हैं। और अब ये टॉरस में करने वाले हैं ट्रांजिट। ये ट्रांजिट 28 मार्च से स्टार्ट होकर 31 जुलाई तक रहेगा, ऑलमोस्ट 1 अगस्त समझ लीजिए। 5 मंथ्स का ये पीरियड है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का पीरियड है। तो ये बहुत बड़ा पीरियड है, बहुत लंबा पीरियड है। तो हम बात करते हैं एरीज की। एरीज के लिए ये सेकेंड हाउस में, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली की तरह ही है, तो इसे सेकेंड हाउस में वीनस जो है वो ट्रांसिट करेंगे, और इनका एस्पेक्ट होगा उनके 8th हाउस पे। तो हो सकता है कि आपको कोई हेरिडिटल मनी मिल जाए, अपने ससुराल पक्ष से कोई पैसे मिल जाए, और सेकेंड हाउस में वीनस जो है वो आपको कोई आपके घर परिवार में आपका ध्यान बढ़ाए। हो सकता है कि जो आपने ब्यूटिफिकेशन अपने घर की नहीं की हुई थी अभी तक, तो वो आप करने की कोशिश करें या बढ़ा दें, या आपका ध्यान अगर सफाई की तरफ नहीं था तो आप सफाई कर लें, और जो चीजें हैं उन्हें बहुत अच्छे से रखें और उसे ब्यूटीफाई कर दें। उन्हीं सामान को भी ब्यूटीफाई किया जा सकता है, और नए सामान को भी लेकर ब्यूटीफाई कर सकते हैं आप। तो एक हिसाब से आप अपने घर की तरफ, अपने इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आप जाएंगे, और हो सकता है इसकी वजह से, और वैसे भी आपको जो है उसके एस्पेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं से ऐसी मनी जो आपने छोड़ दी थी उम्मीद, वो मिलेगी। बात करते हैं हम टॉरियंस की, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। इनके लगन में है, देखिए राशि भी जिनकी है और असेंडेंट भी है, इनके लगन में है तो पार्टनर की तरफ देख रहा है। पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जनरल पार्टनर भी हो सकता है। तो आप अपने पार्टनर में वो सब कुछ देखना चाहेंगे जो आप शुरू से देखना चाहते हैं, और उनके वीनस के एस्पेक्ट की वजह से एक कूलनेस, एक रोमांस, एक लव, एक जैसे बहुत ही एक स्मूथ रिलेशनशिप आपका आ जाएगा, और जो आपको बहुत ज्यादा चैन देगा। और लगन में वीनस की प्रेजेंस जरूर आपको पैसे भी देगी, लग्जरीज भी देगी, अपने आप पर इम्प्रूवमेंट कराएगी। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर में हम सफाई कर रहे हैं, अपनी भी सफाई कर सकते हैं, अपने बारे में ध्यान भी दे सकते हैं कि मुझे पतले होना है, मुझे अपने आप को फिट रखना है, मुझे बहुत सुंदर होना है, मुझे ब्यूटीफुल चीजें यूज करनी है, उसमें ज्वेलरी भी हो सकती है,
कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उस तरीके का। जेमिनाइज की अगर हम बात करते हैं तो जेमिनाइज के लिए ये ट्रांसिट जो है उनके 12th हाउस में है। हालांकि 12th हाउस में वीनस को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन 12th हाउस में खर्चा जरूर कराएगा। अब वीनस जो है वो खर्चा कराने पर आएगा तो आप सोचिए कितना लग्जूरियस खर्चा होगा। अब ये सोचिए कि हो सकता है कि आपका बहुत सारा पैसा बाहर की तरफ जाए, या आप बाहर घूमने जाए, या आपका दिल करे कि आप बाहर की तरफ कोई पैसा करें, और कहीं ना कहीं यात्रा, और ये भी ध्यान रखिएगा किसी रोग पर ना हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इस वीनस का ट्रांजिट बहुत लंबा है, इस वीनस के ट्रांजिट में थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि वो एस्पेक्ट जो कर रहा है वो रोग की जगह और फाइट की तरह कर रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी फाइट की वजह से आपके पैसे लग जाए, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कैंसेरियंस की बात करते हैं तो वीनस बहुत ही अच्छी जगह आ रहा है, 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन्स में आ रहा है। तो कैंसेरियंस का हाउस ऑफ गेन्स में वीनस के आना तो बहुत ही अच्छी बात है, और साथ में वो 5th हाउस को देखेगा। 5th हाउस तो बहुत ही अच्छा हाउस है जिसमें बच्चों की भी तरफ से भी लग्जरी होगी, बच्चों को कोई लग्जरी दी जाए या उनको मिल जाए, या आपके घर में कोई नए बच्चे का आगमन हो जाए, और या फिर आपको कोई इस तरह का संतान सुख के अलावा भी आपके कोई लव में भी कोई सुख मिले, जैसे कोई हो सकता है कि लव अफेयर आपका स्टार्ट हो जाए, और गेन भी बहुत मिलेगा, पैसों का गेन भी होगा, अदरवाइज भी आपको अपनी वर्थ जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। लियो की बात करें, या आपने कोई ऐसा काम सोचा हो जो आपने सोचा हो कि नहीं हो रहा नहीं हो रहा, पर वो हो जाए और वो जरूर होगा। लियो की अगर हम बात करते हैं तो लियो के 10th हाउस में है, 10th हाउस यानी कि कर्म भाव में है, तो कर्मों से बहुत ज्यादा लग्जरी मिल सकती है। आपका होटल का काम, आपका कोई भी ज्वेलरी से रिलेटेड काम, कपड़ों का काम जो नहीं चल रहा है वो चलने लग जाएगा, और ये जो है हॉस्पिटैलिटी से भी रिलेटेड कई काम हो सकते हैं, जर्नी के रिलेटेड भी हो सकते हैं। और आपके 4th हाउस को देखेगा तो आप अपने घर में भी बहुत ब्यूटिफिकेशन करेंगे, ध्यान देंगे, जिससे आपको काफी फायदा भी होगा और मन में बहुत एक कंटेंटमेंट और सेटिस्फेक्शन की फीलिंग होगी। वर्गोस की बात करते हैं तो वर्गोस के लिए ये 9th हाउस में है, लंबी दूरी की यात्रा करा सकता है, वो यात्रा जो बहुत ही लग्जूरियस हो, ऐसे जैसे आपको कोई इस तरह की एजुकेशन भी दिला सकता है, क्योंकि वीनस भी गुरु है, तो ऐसी कोई एजुकेशन दिला सकता है जो लग्जरी से कंसर्न्ड हो, जैसे होटल की या ज्वेलरी की, या ऐसी कोई जैसे डिप्लोमा का कोर्स, या ऐसे जिसमें बहुत ज्यादा शो ऑफ हो, जिसको प्रेजेंटेशन जरूरी है, जैसे मेकअप आर्टिस्ट की, जैसे आपको प्रेजेंट करना है कोई चीज, और उससे आपको काफी फायदा आएगा। भाई बहनों का सहयोग भी मिल सकता है, कुछ केयरफुल रहने की बात है कि भाई बहनों का सहयोग तो मिलेगा और यात्रा भी आप करेंगे, बट कहीं ना कहीं आपका मन परेशान रह सकता है, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। लिब्रंस की बात करें तो उनके 8th हाउस में वीनस का संचार होगा, और 2nd हाउस को देखेंगे। अगर 8th हाउस में वीनस होते हैं तो ये हो सकता है कि आपके बहुत कोई पुराने फ्रेंड्स आपको याद करने लग जाए, या आपका भी उनके साथ कोई एसोसिएशन हो जाए, बातचीत शुरू हो जाए, घर परिवार में भी आप बहुत ध्यान दें, और उसकी ब्यूटिफिकेशन में भी आप कोई कमी ना करें, कोई कसर ना करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, स्पेशली कोई इस तरह का मैसेज वगैरह आपको केयरफुली रखना है, क्योंकि कुछ भी थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। स्कॉर्पियोज की बात करें तो स्कॉर्पियोज का 7th हाउस में ये है। अब देखिए, लग्जरी के देवता खुद से 7th हाउस में बैठे हैं, जो कि उनका वैसे भी घर है 7th हाउस, अगर मतलब अब कुंडली में देखा जाए, जो काल पुरुष की कुंडली है, उस हिसाब से भी, मतलब एक हिसाब से लगन को देखेंगे, अपने आप में भी बहुत चेंजेस लेकर आएंगे, और अपने पार्टनर में भी एक बहुत एक प्यार, रोमांस, केयर, और एक बहुत ज्यादा चैन आपको मिलेगा। आपको लगेगा कि ये जो लग्जरीज मैंने अभी तक यूटिलाइज नहीं करी वो करें, और कोई पार्टनर भी आपको पसंद आ सकता है, आप किसी पार्टनर को पसंद कर सकते हैं, तो ये बड़ा हैप्पी हैप्पी टाइम जाने वाला है आपका। सेजिटेरियस की बात करते हैं तो सेजिटेरियस के लिए 6th हाउस में करेगा ट्रांसिट, 6th हाउस में वीनस का बहुत अच्छा नहीं कर सकते, एक से ज्यादा लोग भी आपको पसंद आ सकते हैं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ग्रास कुड बी ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर यू, पर ये जो बाहर की तरफ देख रहा है, तो जो अगर बाहर से रिलेटेड आपके कोई काम रुके हुए हैं फौरन जाने से, तो वो आप जा पाएंगे, आपकी जितनी भी ये यात्रा है लंबी दूरी की वो आप कर पाएंगे, उसके अगर कोई भी अड़चन आ रही है तो वो भी आपकी दूर हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
कैप्रिकॉन्स की बात करें, कैप्रिकॉन के लिए ये फिफ्थ हाउस में वीनस का वो है संचार है, तो ये अफेयर का भी हाउस माना जाता है, तो लग्जरी रोमांस लव का हाउस है और साथ में बच्चों का हाउस है, तो बच्चों से रिलेटेड भी आप खर्चा कर सकते हैं, पैसे भी आपके आते रहेंगे, बच्चों के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जो बहुत अच्छी रहेगी, बच्चों को बहुत ज्यादा दूर की यात्रा पर पढ़ाने के लिए भी भेज सकते हैं और उनकी उनकी पढ़ाई पर भी काफी ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं और आपको बहुत एक हिसाब से कंटेंटमेंट रहेगी कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। एक्वेरियंस की बात करते हैं, एक्वेरियंस के लिए ये फोर्थ हाउस में ट्रांसिट करेंगे। फोर्थ हाउस क्या है, जो एक हिसाब से होर्डेड मनी है आपकी, जिसमें घर आता है, आपका व्हीकल आता है, प्लॉट आते हैं, तो ऐसी मनी से अगर आपको मान लो थोड़ा सा भी आप उसमें एफर्ट करें तो आप उसमें से रेंट वगैरह रेंटल इनकम ले सकते हैं जो आपको काफी अच्छा रहेगा। कैरियर भी इस तरह का कोई भी शुरू हो सकता है जो आपको बहुत चैन दे, होटल का कैरियर हो, खाने का कैरियर हो, लग्जरी का कैरियर हो, मेकअप का कैरियर हो, इस तरह के कैरियर भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। और एक्वेरियंस के लिए एक और बात है ना, घर में अगर हम पैसा लगाते हैं, घर में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर के किसी चीज के लिए आप करते हैं, तो आपके कैरियर से आपको काफी रिलीफ मिलेगा और कैरियर में वीनस को देख वीनस का देखना आपको ये इंडिकेट करता है कि वीनस जो है वो आपको आपके कैरियर से कोई ना कोई ग्रेस दे रहा है, कैरियर से कहीं ना कहीं आपको चैन मिल रहा है और जो एक जो स्मूथनेस है ना थिंग्स की, देखिए वैसे भी आप बहुत सारी चीजें एक्वायर कर लेते हैं, एक्वेरियंस तो कर ही लेते हैं, तो अगर आप बहुत सारी चीजें ले रहे हैं बट एक बार टफ तरीके से ले रहे हैं और एक स्मूथली आपको सब कुछ मिल रहा है तो कितना मजा आता है ना स्मूथली सब कुछ मिले, तो ऐसे ही एक्वेरियंस के साथ होने वाला है। पाइसेंस की बात करते हैं तो पाइसेंस के थर्ड हाउस में ये ट्रांसिट होगा। थर्ड हाउस में पाइसेंस का ट्रांसिट अपने भाई बहनों से बहुत स्मूथनेस ले आएगा, रिलेशनशिप में भी स्मूथनेस होगी, लंबी दूरी की अगर कोई यात्रा होती है या कोई बड़ी पढ़ाई के बारे में आप सोच रहे हैं, जो बड़ी कोई डिग्री है उसे लेने के बारे में भी आप सोच सकते हैं, पैसे को संभाल कर रखिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। पैसे में कोई भी आप जो है डीलिंग अभी मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम अभी रुकिए, सोचिए, फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप जितना सोचकर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके लिए अच्छा है। इसके साथ साथ भाई बहनों का जो एक रिलेशनशिप है वो बहुत स्मूथ बन जाएगा, बहुत अच्छा भी रहेगा। तो ये तो था फ्रेंड्स वीनस का ट्रांसिट आपके लिए कैसे जाने वाला है। मार्च 28 को वीनस चेंज हो रहे हैं 2020 को और ये ऑलमोस्ट अगस्त तक ये रहेंगे, जुलाई तक तो ये है ही है रेट्रो होकर, फिर वापस भी जाएंगे, ऑलमोस्ट 4-5 मंथ्स का ये है पीरियड है। मैं एग्जैक्ट डेट अगस्त की मुझे नहीं याद है, मैं ऐसे आपको बोलूं, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 28 मार्च 2020 को ये चेंज हो रहा है। तो ये तो था ट्रांजिट वीनस का और मैं जितना हो सकेगा मैं बीच में लिख भी दूंगी आपको कहां कहां आपके असेंडेंट्स आ रहे हैं, कहां किस असेंडेंट का कौन से टाइम पर उसका है, तो मैं टाइम लिमिट भी आपको दे दूंगी। साथ ही साथ मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगी फ्रेंड्स कि प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब का रेड बटन नीचे ही है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।